खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि पिछले सब लगभग 9 महीने से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की मिली जुली सरकार चली हुई है। मुख्यमंत्री का पद भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर जी के पास है और उप मुख्यमंत्री का पद जो है जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत सिंह चौटाला के पास है। 9 महीने के अंदर अंदर इस सरकार में मोटे मोटे जो 9 घोटाले हो चुके हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे घोटालों के बारे में आपको पिछले एपिसोड में बताया था। लेकिन एक कमाल की बात है दोस्तों, इनमें से ज्यादातर बड़े बड़े घोटाले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के विभाग से हुए हैं, चाहे वो धान घोटाला हो, रजिस्ट्री घोटाला हो या शराब घोटाला हो। आज हम बात करेंगे हरियाणा में हुए सैकड़ों करोड़ों के शराब घोटाले के बारे में। शराब घोटाले को लेकर SET का गठन हुआ था। इस SET के गठन को लेकर ही जो है शुरू में ही जो है मामला जो है बिगड़ गया था, क्योंकि जो है गृहमंत्री चाहते थे कि SIT का गठन हो। SET को कोई पावर नहीं दी गई थी। TC गुप्ता जी को इसका इंचार्ज बना दिया गया था। बाद में जो है सुभाष यादव जी रिटायर हो गए तो मोहम्मद अकील जी आ गए थे। अब इस SET ने 7 अगस्त को अपनी रिपोर्ट दे दी है और इस रिपोर्ट में SP स्वयं पर जो प्रतीक्षा गोदारा थी उस समय और एक्साइज जो कमिश्नर थे शिखर विद्यार्थी जी, उनको दोषी पाया गया है। और रिपोर्ट मिलते ही गृहमंत्री अनिल विज ने दोनों के खिलाफ जो कार्रवाई करने की अनुशंसा कर दी है। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने रिपोर्ट को नकार दिया है और शिखर विद्यार्थी जो एक्साइज कमिश्नर हैं उनको क्लीन चिट दे दी है। गृहमंत्री जी एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं, वही माननीय उप मुख्यमंत्री जी और एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट के मंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला गृहमंत्री अनिल विज के विभाग को इसमें जो दोषी ठहरा रहे हैं। दोनों जो एक दूसरे पर खुलकर जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ये पहला मौका नहीं है जो दोनों जो एक दूसरे के आमने सामने हुए। इससे पहले सरकार बनने से पहले दवा घोटाले में लेकर दोनों जो एक दूसरे के सामने आमने सामने हो चुके हैं। दोनों का मामला जो है कोर्ट तक पहुंच चुका था। एक ने एक दूसरे को मानसिक रोगी तथा दूसरे ने शराबी बताकर जो है मामले को बिल्कुल निम्न स्तर तक ला दिया था। अब जो दोनों मंत्रिमंडल में सहयोगी हैं, इस मंत्रिमंडल में 4 महीने में दोनों जो है 4 बार एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं। सबसे पहले शराब घोटाले को लेकर, फिर जो है बाजार खोलने को लेकर जिस तरह से सिरसा के DC के साथ जो तकरार हुई थी, उसके बाद DSP के प्रमोशन को लेकर, और अब जो है SET की रिपोर्ट पर IAS और IPS जो अफसर हैं उन पर एक्शन को लेकर दोनों के बीच में टकराव हो चुका। लॉकडाउन में सैकड़ों करोड़ों की जो है शराब की बिक्री और तस्करी की परतें आज दिन खुल रही हैं। 1 करोड़ शराब की बोतलों का रिकॉर्ड जो है मिल नहीं रहा है। और कमाल की बात है कि SP मोदा जो गोदारा जी थे उन पर जो है एक जो सतीश जठेड़ी ने आरोप लगाया था कि वो हर महीने जो है 10 लाख रुपए भूपेंद्र दैया से लेती थी। और कमाल की बात है दोस्तों, क्रिमिनल होने के नाते तस्कर के इतने बड़े आरोपी को जो है तत्कालीन SP महोदया ने 2 गनमैन जो है उपलब्ध कराए थे और साथ में जो उनका आर्म का लाइसेंस भी बनवाया था, इसलिए उनका तो दोषी होनाते हैं। और एक्साइज डिपार्टमेंट में इस तरह घोटाले हो तो शिखर विद्यार्थी जी को भी जो हम निर्दोष नहीं साबित कर सकते। इस शराब माफिया के तार जो बड़े बड़े राजनीतिकों और बड़े बड़े अधिकारियों से जुड़े प्रतीत हो रहे हैं। भूपेंद्र सिंह दैया का पिछले दिनों जो है बहुत सारे फोटो वायरल हुए थे जिसमें उनका जो है राजनीतिक कनेक्शन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी बताया जा रहा था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ससुराल जो मटिंडू गांव में पड़ती है, उसके साथ ही सुसाना जो है दैया का भी राजधानी माना जाता है और भूपेंद्र सिंह दैया सुसाना गांव से संबंधित था। बहुत सारे प्रोग्रामों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जो उनका जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ फोटो वायरल हुए हैं। अब जो है भाजपा जनता सरकार में हड़कंप मचा हुआ है और तस्कर जो है अभी भी जो है शराब माफिया और तस्कर खुले घूम रही है। माननीय गृहमंत्री अनिल विज जी शराब घोटाले के तह तक जाने को तैयार हैं। उन्होंने जो है इस घोटाले के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा और मुख्यमंत्री जी को कहा कि इसकी जो विजिलेंस जांच होनी चाहिए। जैसे ही विज ने माननीय मुख्यमंत्री जी को इन अफसरों के खिलाफ रिपोर्ट भेजी तो मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी सूरत में सहन किया नहीं जाएगा, चाहे कितना ही बड़ा दोषी हो, कितना ही बड़ा आदमी हो और दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ जो है हर हाल में जो कार्रवाई होगी। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी ने भी कल जो फरीदाबाद में विजिलेंस जांच के आदेश दिए जाने के संकेत दे दिए हैं। इधर जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जो है किसी भी हाल में विजिलेंस जांच नहीं चाहते और जो है शिखर विद्यार्थी जी को हर हाल में क्लीन चिट देना चाहते हैं। इस तरह से आने वाले दिनों में दुष्यंत सिंह चौटाला और अनिल विज में टकराव एक बार फिर बढ़ सकता है। गठबंधन सरकार में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों अलग अलग दलों से हैं।
दोनों जो है गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, एक दूसरे पर जो है अविश्वास की स्थिति अब स्पष्ट हो गई है और दोनों ने एक दूसरे का विश्वास खो दिया है। इसलिए अब दोनों को जनता को जवाब देना चाहिए और जल्दी जो इस मामले की तय तक जाना चाहिए। इसके लिए हम चाहते हैं कि जो इसको सीबीआई जांच के लिए भेजा जाए या फिर हाईकोर्ट किसी सिटिंग जस्टिस की जांच की जाए, क्योंकि तो विजिलेंस जांच से भी जो है हमें लग नहीं रहा है कि इसकी तय तक जाया जा सकता है, क्योंकि इसमें जो है बहुत बड़े बड़े जो अफसर और बड़े बड़े राजनीतिक जो बड़े मगरमच्छ इसमें शामिल हैं। इसके साथ साथ हम चाहेंगे दोस्तों कि प्रदेश में जो पिछले 9 महीनों जितने बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जो सब हो रहा है, इस पर भी जो है एक जो इंक्वायरी कमेटी बैठी और उसकी पूरी जांच हो। इसी बीच में पता चला है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हाईकमान है वो इस मामले का हल निकालने में लगा हुआ है और हमें तो यहां तक रिपोर्ट मिली है कि जल्द ही दुष्यंत सिंह चौटाला के विभागों में भी तब्दीली की जा सकती है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, ये सब भविष्य गर्भ में है। अब घोटाले में किसी छोटे मोटे अफसरों को फंसाकर मामले को निपटाया जाएगा या फिर बड़ी मगरमच्छ और मछलियों को पकड़ा जाएगा। इस तरह से दोस्तों सरकार में जो है सत्ता के 3 केंद्र बन गए हैं। एक है माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, दूसरे हैं गृह मंत्री अनिल विज और तीसरे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री जी ने गृह मंत्री जी का पक्ष लिया है और गृह मंत्री जी के कहने पर विजिलेंस जांच के लिए उन्होंने जो है हामी भरी है। अब जो है प्रदेश में लगातार जो है सरकार में तकरार बढ़ गई है और हमें ऐसे लग रहा है कि 3 पांव पर टिकी है सरकार, अब जो है बड़ी सरकार में जो बड़ी दरार पड़ गई है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। इस तरह से हमें लग रहा है कि अब 3 सरकार के जो पवे हैं, 3 पांव पर सरकार टिकी हुई है और 3 का एक दूसरे पर विश्वास बनता हुआ जा रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं सरकार जो है तकरार बढ़ते बढ़ते सरकार में दरार पड़ चुकी है।